गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। आज का जो टॉपिक चलेगा बेटे, जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि हम किन किन बातों पे चर्चा करनी है, आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे पास कल हमने डिस्कस करा था कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं बेटे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तीन पॉइंट हमारे पास आए थे। पहला पॉइंट था इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सेकंड इज स्टेशनरी वेव, एंड थर्ड वन इज अवर बीट्स। ये तीन पॉइंट थे। ये तीनों पॉइंट अगर बेसिकली हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुप्रयोग है एक प्रकार से। तो हमें आज नहीं के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना है और आगे बढ़ना है। अधिकतम जितना हो जाएगा उतनी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव में इंटरफेरेंस कैसे होगी? तो हमने ये माना, सपोज देयर आर टू वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस होना, स्टेशनरी वेव के बारे में सीखना, बीट्स के बारे में सीखना, इसमें कम से कम दो वेव्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। सबसे पहले हमने माना कि हमारी एक वेव के साउंड वेव सपोज है, कोई भी वेव है, एक वेव हमारे ये है, माना कि ये जो वेव है, इस वेव की वैल्यू है वाई वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये वेव थोड़ा सा चेंज फेज डिफरेंस पे चल रही है, माना कि इसकी वैल्यू है वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दोनों वेव क्या करेंगे? सुपरपोज करेंगे। सुपरपोजिशन का कंसेप्ट हमने आपको कल भी बताया था। सुपरपोजिशन में दोनों वेव क्या होती है? वाई वन क्या होता है? वाई वन प्लस वाई टू, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जरा देखिए, सारी चीजें यहाँ पर है। हमने माना, देखिए वाई वन इक्वल टू क्या हो गया? ए वन साइन ओमेगा टी। वाई टू इक्वल टू, हमने इसकी एम्पलीट्यूड ए वन ले लिया, इसकी एम्पलीट्यूड माना कि ए टू ले लिया। हमने ये माना इसका ये वाला एम्पलीट्यूड एक है, ए वन है सॉरी, और ये वाला इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कुछ भी ले सकते हैं आप, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहें। वाई टू इक्वल टू मैंने ले लिया ए साइन ओमेगा टू प्लस फाइव। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव आती है, दैट वन इज वाई इक्वल टू वाई टू प्लस वाई टू। जैसे मैंने इसको वेक्टर बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फाइनली गेटिंग योर फॉर्मूला y equal to a sin omega t plus theta। इसकी डिटेल एनालिसिस हमने जैसे भी आपको बताया प्लस टू क्लास में, कल भी बताया था मैंने आपको, प्लस टू क्लास में एक यूनिट है ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर सिक्स है, और उसका चैप्टर नंबर फाइव है। उस चैप्टर नंबर फाइव का नाम ही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वहां पर हम इसके बारे में बहुत ही गहराई के साथ चर्चा करेंगे, और ये दोनों फॉर्मूले भी आपको तो वही देखने को गहराई से। जैसे यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में बात आती है इसका डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन 5 मार्क्स में अति महत्वपूर्ण है। 5 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 5 नंबर तक करते हैं। तो हम इसे 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इसके आगे चलते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, tan थीटा sin थीटा। आइए अब हम स्टैंडिंग वेव के बारे में चलते हैं। हमारा पॉइंट यहीं से शुरू होगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है यहाँ पर इस साल। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंटरफेरेंस 12th स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स हमको इसी क्लास में सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है? स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, हमें इन दोनों के बारे में प्रॉपर वे में सीखना है। तो देखिए बेटे क्या होती है, व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम टाइप, बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में से दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, या बोथ आर ट्रांसवर्स, या दोनों वेव ट्रांसवर्स हो सकती है। मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसवर्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, इसको मैं आपको मेमोराइज करा देता हूं।
जो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ये है और वेव जा रही है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री। जैसे मीडियम के पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से कैसे वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री पर। ऐसी वेव से क्या लाया हुआ है, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में मैंने बताया था कि वेव वैसे ही वाइब्रेट करता है, मीडियम के पार्टिकल वैसे ही वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मोशन होती है। अर्थात डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज जस्ट अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, बट इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल बोथ आर एट राइट एंगल। ये डिफरेंसेस हैं ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दो प्रोग्रेसिव वेव हैं, दोनों या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगी या तो ट्रांसवर्स होंगी, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, कंडीशन ये है कि उनके एम्पलीट्यूड्स बराबर होने चाहिए। एम्पलीट्यूड का अर्थ ये हो गया, मैंने आपको बताया जैसे कोई वेव मोशन होता है ना, ये डिस्टेंस इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो दोनों वेव्स आप लेंगे दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे एंड सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। यानी कि दो वेव्स, दोनों लॉन्गिट्यूडनल या दोनों ट्रांसवर्स, एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ है उनका, सेम टाइम पीरियड है उनका, एंड इफ दे आर सुपरपोज्ड टू ईच अदर, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन एंड द कंडीशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। एक वेव से वेवलेंथ की है ये आ रही है, ये वेव जा रही है इस दिशा में, एम्पलीट्यूड वही है ई, टाइम पीरियड बेटा वही है ई, सब कुछ सेम है, वेवलेंथ भी वही है क्या लैम्डा, फ्रीक्वेंसी भी वही है क्या न्यू, और दूसरी वेव भी आ रही है इस प्रकार इसी दिशा में, डायरेक्शन सेम कर रही है, माना कि वही वेव ये आ रही है, वही एम्पलीट्यूड कितना ए, सब कुछ सेम, टाइम पीरियड कितना ई, फ्रीक्वेंसी कितनी न्यू, वेलोसिटी कितनी बी, यहां से वेलोसिटी कितनी जी, दोनों ये इस दिशा से आ रही है, ये वेव इस दिशा से जा रही है, अगर दोनों वेव सुपरपोज करती हैं तो ऐसी सूरत में जो रिजल्टेंट वेव आती है दैट इज योर स्टैंडिंग वेव, उसी वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा इसमें, स्टैंडिंग वेव के डेफिनेशन में सिंपल सा कंसेप्ट है, देयर आर टू वेव्स आइदर ट्रांसवर्स आइदर लॉन्गिट्यूडनल, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, ये कंडीशन है इनकी। देखिए वही चीज मैंने लिखा है, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम टाइम हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, सब कुछ सेम सेम है, सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरइंपोज a new wave are formed and that wave is called stationary wave or standing wave. उस वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं या स्टैंडिंग वेव कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द फीचर्स आर, इसके जो खास फीचर्स हैं स्टैंडिंग वेव के, जो फीचर्स हैं अब हम उन फीचर्स की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग वेव आर, आइए वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। बेटा ध्यान से समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, प्रॉपर समझ में आने चाहिए। पहले शुरू करते हैं नंबर एक, नंबर वन, ये हमारी स्टैंडिंग वेव है बेटा, जरा देखिए जब दोनों वेव अपोजिट दिशा से आती है, एक वेव इधर से आती है, एक वेव इधर से आ रही थी, एक वेव इधर से आ रही थी, दोनों सुपर इम्पोज करती है, सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है कुछ इस प्रकार से आता है, ये वेव देखिए आपके सामने मैंने दिखाया हुआ है और उसी का अपोजिट वेव इस प्रकार से चलता है, तो दोनों वेव चलती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, मिनिमम कितने पॉइंट है आपके सामने तीन, मैक्सिमम कितने पॉइंट है ए और ए, इसे हम एन एन कहते हैं, एन एन और एन, ये जो वेव का शेप है ये हमारा वेव क्या कहलाएगा, स्टेशनरी वेव। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एन क्या है, ए क्या है वगैरह वगैरह, तो ये देखते हैं।
The total energy associated with stationary wave is twice the energy of each incident and reflected wave. हमने माना ये incident wave थी, ये वाली जो हमने सोल्डर आउट किया था, और वापसी वाली ये stationary, ये हमारी कौन सी wave है? Incident और जो return आती है, ये हमारी reflected. Incident, reflected. Incident, reflected. But there is no flow of energy in this property. Second property is there are certain points in the medium which are permanently at rest. इस situation में कुछ ऐसे point होते हैं जो permanently rest situation पे होते हैं, like this point, like this point, like this point. They are permanently at rest. They are called nodes. इसे हम क्या कहते हैं? Nodes कहते हैं और उसे हम N से दिखाते हैं. It means N stand for nodes. N का मतलब क्या होता है? Nodes है. And the distance between two consecutive nodes is lambda by 2. और इन दोनों के बीच की जो wavelength है consecutive जो nodes होता है उसे हम क्या कहते हैं? Lambda by 2 कहते हैं. क्योंकि आप भली भांति जानते हैं ये पूरी wave एक lambda होती है. ये बीच में आ रहा है आधा है. तो जो नोड्स होता है बीच में लाइक ऐसा उसकी वैल्यू लैम्डा बाई टू, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो कि जो कंप्लीट वेव होती है वो इसी की दूरी को क्या कहा जाता है? लैम्डा. तो मिड पॉइंट पर क्या आ रहा है? नोड आ रहा है. तो नोड की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बाई टू. अगर एंटी नोड की बात करें, अगर ये आप ये कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट वेव है लैम्डा, नोड को क्या आ रहा है? लैम्डा बाई टू. एंटी नोड कितने का आ रहा है? लैम्डा बाई टू इंटू हाफ पर आ रहा है, आधे पर. तो बन जाता है लैम्डा बाई फोर. आइए इसके आगे की चर्चा करेंगे. अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटीनोड. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंटीनोड इज आल्सो लैम्डा बाई टू एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजॉइनिंग एंटीनोड इज लैम्डा बाई फोर. अगर आप एंटीनोड और नोड की बात करें तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? लैम्डा बाई फोर. तो भाई यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर. सबको जोड़ लीजिए, देखिए लैम्डा, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर इक्वल टू फोर लैम्डा बाई फोर. इट मीन्स लैम्डा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर. The medium is split up a number of segments. ये जो हमारा medium है, number of segments में टूटा हुआ है, कैसी दिन हुआ है? Each segment vibrate up and down. प्रत्येक segment ऊपर और नीचे क्या करता है? Vibrate करता है. Both segments are vibrating up and down. All the particles except those at node execute as a them about their mean position with same time period. वो पार्टिकल जो नोड पर होते हैं, यहाँ पे दो तीन इन पॉइंटों को जोड़कर सारे पार्टिकल जो होते हैं वो एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं. एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल वेरी फ्रॉम जीरो, वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्स, जीरो टू मैक्स, मैक्स टू जीरो, जीरो टू मैक्स, मैक्स टू जीरो. यानी कि नोड पर जीरो होता है और एंटी नोड पर मामला मैक्सिमम होता है. वही चीज मैंने लिखा है. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरी फ्रॉम जीरो एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड. यानी कि वो मैक्सिमम कहां पर होंगी? एंटी नोड पर होंगी. और मिनिमम कहां पर होंगी? नोड पर होंगी. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन वेरी फ्रॉम मैक्सिमम at antinode to the zero at node. Velocity is given कि क्या होती है? Vary करेगी कहाँ? Zero कहाँ पर होगी? Node पर होगी. और maximum कहाँ पर होगी? Antinode पर होगी. अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. Next property is standing wave on a string. Standing wave on a string. तीन केसेस है बेटे. जैसे कि मैंने पिछले दिन भी डिस्कस किया था, there are three cases of standing waves. The first wave in case of string, second case is one end close argon pipe, and third case is
टू एंड ओपन आर्गन पाइप, या फिर ओपन आर्गन पाइप का एक केस, वन एंड ओपन आर्गन पाइप का दूसरा केस, और तीसरा केस है ये स्ट्रिंग है, यानी कि तीनों केसेस है, तीनों केसेस काफी सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये तीनों को आपको एक साथ पढ़ना है, तीनों केसेस को एक साथ पढ़ना है, और सारा सिस्टम जैसा है मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ डिफरेंशिएशन क्या होगी। पहला केस होगा स्ट्रिंग का, मैं लिख देता हूँ उसको हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ बाद में से इलेबोरेट करते हैं, पहले पढ़ेंगे। Standing waves in a string. When this string under tension is set up into vibration, transverse harmonic waves propagate along its length of the string is fixed. Reflected waves will also exist, and the incident and reflected waves superimpose to each other and form standing waves. आइए इसके बारे में हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। आइए ये देखिए सबसे बेहतर तरीका समझने का। हमने बेटे एक क्लैंप स्टैंड ले लिया, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस क्लैंप स्टैंड पे हमने केवल एक रस्सी बांधी है, सिर्फ एक रस्सी। ये देखिए आप बाकी भूल जाइए, आप रेड कलर एक रस्सी बांधी, इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, रस्सी ऐसे पकड़ लिया, अगर हम ऐसे जर्क करते हैं रस्सी पर क्या करेंगे, जर्क करेंगे, अगर हम झटका देते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा झटका देते हैं तो अगर ये आपकी एक वेव है, कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव पैदा हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा तेजी के साथ झटका दे दिया तो आपकी दो इंसिडेंट एंड दो रिफ्लेक्टेड, आपने और तेजी के साथ झटका दे दिया तो तीन रिफ्लेक्टेड और तीन इंसिडेंट वेव आपकी ये हमने माना पैदा होगी। ये अगर देखा जाए तो मोस्टली एक ही केस है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बनाया, ठीक है, रस्सी बांधी गई। अब आप जरा देखिएगा, अगर पहला केस रस्सी, पहले केस क्या है, रस्सी आपने देखो यहाँ पर टाई करी हुई है, यू कैन सी यहाँ पर रस्सी आपकी क्या है, टाई है, यहाँ पर रस्सी बांधो क्या किया हुआ है, ग्रिप किया हुआ है, यहाँ पर रस्सी टाई हो गई, यहाँ पर आपने इसको क्या करा हुआ है, ग्रिप करा हुआ है। अगर आप यहाँ पर जर्क प्रोड्यूस करते हैं तो एक वेव ऐसे पैदा होती है, ऐसी सूरत में एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर और एक एंटी नोड आपका बीच में पैदा होता है, यानी कि अगर आप बेटा इसे गौर से देखें कि आपकी हाफ वेव है, आप देखिए हाफ वेव पैदा हो रही है ना, ये फुल वेव में है, तो हाफ वेव की अगर आप बात करें तो हाफ वेव में दो एंटी नोड, सॉरी दो नोड एक एंटी नोड, अगर आप कंप्लीट वेव की बात करते हैं जो मैंने यहाँ दिखाई हुई है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री आपके क्या है नोड है और दो आपके क्या है एंटी नोड है। अगर आपने तीन का ले लिया, पहले आपने आधी पल्स ली, फिर आपने एक पल्स ली, अब आपने 1.5 पल्स की आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर 1.5 है तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यहां पर आपके क्या है नोड्स है, और वन टू थ्री आपके तीन क्या है एंटी नोड है। तो जरा गौर से समझिए, अगर आपके स्ट्रिंग का केस है तो स्ट्रिंग के केस में नोड हमेशा एंटी नोड से ज्यादा होता है, यानी एक ज्यादा हो गया, उल्टा अगर आप देखें तो एंटी नोड नोड से एक कम एंटी नोड होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, एक दो तीन एंटी नोड है, चार आपकी नोड है, तो ये हमें समझना है, ये हमारी वेब सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आइए अब इसके डिस्कशन को थोड़ा हमने माना इंसिडेंट वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है, जो हमने वेव सेट करा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की, माना वो वेव है ओमेगा y1 equal to a sin omega t minus kx, हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लिया, हमने ये कल मैंने आपको डिस्कस किया था, ये फार्मूला नंबर 4 है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड वेव हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया ये हमारा क्या है नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा चेंज नहीं करती, क्योंकि फेज क्या है ठीक उल्टा है, फेज क्या है ठीक उल्टा है, और ठीक उल्टा किसकी डिग्री पर होगा 180 डिग्री पर, अब 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई रेडियन, तो हमें पाई के टर्म में डिस्कस करना है,
सेकंड में भी y2 equal to a sin omega t plus ax plus phi, it means minus sin omega t plus kx, phi ने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया और रिजल्ट हमारे पास आ गया a sin omega t plus kx. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करें, ऑब्वियसली ये दोनों वेव क्या होंगी, सम होंगी, मैंने आपको बार बार बताया और मैंने बेटा दोनों को सिर्फ और सिंपली जोड़ा है a sin omega t minus kx प्लस, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, माइनस a sin omega t plus kx. अगर आप इसे गौर से देखें तो ये जो सूत्र है वो बन रहा है sin c माइनस sin d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सही हो रहा है, हमें इस वाले फॉर्मूले को लगा देना है sin c माइनस sin d. तो बेटा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला एक रूप में लिखा हुआ है, sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c plus d by 2 sin c माइनस d by 2. और इसको रखने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट मैंने यहाँ पर पुट किया है, जो कि हमें रिजल्ट से जरूरत है, तो फाइनल रिजल्ट मैंने रख दिया y इक्वल टू माइनस 2a cos omega t sin kx, या फाइनली वी गॉट माइनस 2a sin kx इनटू cos omega t. अब थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग के एक सिरे पर बात करें, किस सिरे की बात कर रहे हैं, नोड की बात कर रहे हैं, नोड पर x का होता है 0 होता है और x भी 0 होगा तो रिजल्टेंट हमारा जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ फंक्शन y. अगर अदर एंड पर स्ट्रिंग की बात करते हैं जिसे एंटी नोड कहते हैं, एंटी नोड हमारा मैक्सिमम होता है और हमने माना मैक्सिमम की लंबाई कितनी है, l है, तो अगर हम इस l को यहां पर रखते हैं रिकॉर्ड y equal to minus 2a cos omega t into sin kl, और अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग नोड एंड एंटी नोड, sin k equal to 0 और sin n pi equal to 1 to 3, फाइनली हियर k equal to n pi or 2 pi by lambda into l equal to n pi. So finally we got, finally we got lambda equal to 2L upon N. Here, N equal to corresponding first, second and third mode of vibration of the string. यानी कि string के केस में जो हमारा formula चलेगा वो ये है, lambda equal to 2L upon N. और इसी अगर आप चाहें तो आपको calculation करने की जरूरत नहीं है, आप direct इस formula को रखकर derivation कर सकते हैं. If lambda 1 is the wavelength of standing wave set up with the string corresponding to say n equal to 1, then lambda 1 equal to 2l upon 1. So lambda equal to l equal to lambda 1 upon 2. अभी अभी आपने देखा था जो हमने वेव कर ली थी वो यही थी. ये देखिए मैं आपको दिखा के देता हूँ, जो हमने वेव बनाई थी वो यही थी. l का मान कितना था पहले में, L equal to lambda 1 by 2, जरा देखो ये देखिए, अगर इसकी की लंबाई L है तो wavelength के टर्म में बात करते हैं, L equal to क्या है lambda, भाई आप जरा देखिए टोटल स्ट्रिंग की लंबाई L, अगर आप इस मोड की वाइब्रेशन की बात करते हैं इसका मान क्या है L equal to lambda 1 upon 2, अगर हम इसकी wavelength को lambda 1 मान, अगर इस केस को डिस्कस करेंगे तो हमने माना लैम्डा 2 है, एल का मान क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, ऐसे वैल्यू और 3 निकालने पर जीरो का मान बढ़ता चला जाता है. देखिए पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन बेटे आ गया, अगर देखिए एल इक्वल टू लैम्डा बाय 2, अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो वेलोसिटी वेलोसिटी है वेवलेंथ का मान आपने यहां निकाल के रख दिया,
this implies that lambda one equal to 2 है, lambda one equal to 2 है, यहाँ पर दिया गया, तो frequency का मान आ गया, पहले frequency आपके आगे mu one equal to v upon 2 है, आगे चलिए, इसी प्रकार से डिटेल आ गई, it means the first normal mode of vibration is called fundamental mode. जो पहला मूव होता है वाइब्रेशन का वो हमेशा फंडामेंटल होता है, यानी न्यू मोड यहां क्या है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इन दिस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज मिनिमम एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या साउंड और नोट कहते हैं, साउंड भी बोलते हैं या हम इसे नोट भी कहते हैं, एन ओ टी ई नोट, सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट, ध्यान रखिएगा फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक, मेमोराइज फंडामेंटल नोट ही फर्स्ट हार्मोनिक होता है, ध्यान रखना है फंडामेंटल नोट्स को ही हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। आगे चलते हैं, हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं बेटा, आप भली भांति जानते हो एन का मान कितना हो जाएगा, we know the formula, what formula, lambda equal to 2L upon n, ये तो formula था, मैंने देखो दिया, lambda 2 equal to 2L upon 2 and we got L, ऐसी सूरत में आपको सिर्फ क्या मिल गया, L, n की लंबाई स्ट्रिंग की क्या होगी, L, it means in this case, the string vibrate in two segments, भाई आपने जो लिया है, तो कितने में वाइब्रेट करेगी, दो सेगमेंट में वाइब्रेट करेगी, लेंथ कैसी होगी, इक्वल लेंथ होगी, और अगर दो सेगमेंट है तो दो सेगमेंट में नोड कितना होगा, मैंने आपसे कहा था एंटी नोड से नोड हमेशा ज्यादा होता है, एक नोड तीन नोड हो, और हम आगे चलें इसका रिजल्ट से जरा देखिए, वही पुराना फॉर्मूला u इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ अभी भी आपने निकाला कितना था l था, हमने रख दिया और v2 इक्वल टू u2 इक्वल टू 2v अपॉन 2l, यानी कि जो सेकंड है ना सेकंड फ्रीक्वेंसी वो पहली फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डबल होती है, और इसको हम कहते हैं जो अभी हमारे पास आया, हमारे पास आया था क्या आया था, न्यू वन इक्वल टू वी अपॉन टू एल, दूसरा बेटा हमारे पास अभी निकाला वी अपॉन, ये देखो टू है, टू इंटू वी अपॉन टू एल, ये हमारा ये दूसरा वाला है, यानी कि अगर वास्तव में अगर ये न्यू वन है ये क्या है टू न्यू वन, अब यहां से जरा कंपेयर इसे समझे आप, न्यू वन को हम कहते थे फंडामेंटल नोट, न्यू वन को क्या कहते थे, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉट फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारा कौन सा है, दूसरा है, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटो, सेकंड हार्मोनिक को कहा जाता है फर्स्ट ओवरटो। आइए थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं, हमारे पास ये चीजें आ चुकी है जो मैंने अभी आपको बताया, यही पर आप ले लीजिए, थर्ड हार्मोनिक का अगर हम डिस्कशन करते हैं बेटा, हमारे पास वही फॉर्मूला है न्यू थ्री इक्वल टू बी अपॉन वन टू एल, न्यू थ्री इक्वल टू क्या था बी अपॉन टू एल, टू एल मैंने उसको पूरा नए से रिपीट कर देते फॉर्मूला क्या था हमारे पास न्यू थ्री इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा, वही सेम फॉर्मूला, अगर हम लैम्डा 3 की बात करते हैं तो लैम्डा 3 हमें निकालना है और लैम्डा 3 हम कितना जाएगा तो फाइनली फार्मूला क्या बन जाता है न्यू 3 इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन 3, टोटल लेंथ अपॉन 3, टोटल लेंथ कितनी 12 अपॉन 3, अगर हम इसको और गहराई से बात करें तो यहां लंबाई कितनी आ गई हमारी, दिस इंडिकेट दैट l इक्वल टू 3 लैम्डा 3 अपॉन टू, अगर कैलकुलेशन में शामिल करते हैं तो कैलकुलेशन में वैसे ही शामिल होता है न्यू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू बी अपॉन टू थ्री न्यू वन, यहां देखिए
पहला आया था न्यू इक्वल टू वी अपॉन टू एल, दूसरा आ गया न्यू इक्वल टू टू इंटू वी अपॉन टू एल इंटू न्यू वन, और तीसरे में आ रहा है वही न्यू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू वी अपॉन टू एल यानी थ्री न्यू वन। इसको कहते थे फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारा है सेकेंड हार्मोनिक, ये हमारा है थर्ड हार्मोनिक। ध्यान रखिएगा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इसको कहते हैं फंडामेंटल नोट, दूसरा नाम है इसको फंडामेंटल नोट कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। फंडामेंटल नोट, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा एक कम होता है। आगे चलते हैं, ये देखिए वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, अब आप नोट समझिए इसका नोट। नोट में आइए, जैसे कि मैं ये अभी अभी मैंने आपको बताया थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड हार्मोनिक, नोट में द नोट प्रोड्यूस थर्ड हार्मोनिक के एन माइनस वन ओवरटोन, यानी कि जितने हार्मोनिक होते हैं उससे एक कम ओवरटोन होता है। ये जाना जा सकता है, ये चीज कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम आस्किंग इन द कंपटीशन। Second, in the nth harmonic mode of vibration, there will be n plus 1 node and n minus 1 n node. अगर nth harmonic mode of vibration हो रहा है, तो अगर आप उसमें एक जोड़ देते हैं, तो आपको node पैदा हो जाता है, और अगर आप एक घटा देते हैं इनमें से, तो n की node की संख्या आ जाती है। n minus 1 node होते हैं, n minus 1 n sorry n plus 1 node आएगा और n माइनस 1 एक ही होगा। अभी जो हमने स्ट्रिंग का केस सीखा, सेम केस आता है वन एंड क्लोज आर्गन पाइप, बिल्कुल सेम केस, थोड़ा सा केवल डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीजें वही। जरा देखिए वन एंड क्लोज आर्गन पाइप, ये आपको सेम करना है, सुपर एक्सप्लोरिंग आप भी कर सकते हो, दोनों एक्सप्लोरिंग में दे रहा हूँ। वन एंड क्लोज आर्गन पाइप है, अगर वन एंड क्लोज आर्गन पाइप है तो जो स्ट्रिंग का केस था उसका ठीक आधा बनेगा। ये जरा देख लीजिए, वन एंड क्लोज आर्गन पाइप, जरा देखिए मैंने बोला था आधा बनेगा, याद करो वहां पर एल का मान क्या था, वहां पर एल का मान था लैम्डा बाई टू, यहाँ पर कितना है लैम्डा बाई फोर, बिल्कुल आधा। क्यों आधा, क्योंकि जरा देखिए अगर आपकी बांसुरी है, बांसुरी में अगर आप इधर से देखते हैं तो एक एंड उसका बंद होता है, तो जो भी वेव बनती है क्वार्टर बनती है, वेव कैसे बनती है क्वार्टर, और क्वार्टर वेव का मतलब होता है लैम्डा बाई फोर। तो यही पर ऐसी सूरत में सब आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पर आपको हमने जहां पर वहां दो दो लिखा था ना, यहाँ लगा सब में दो को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जो भी है वो आधा हो जाएगा, तो इसके दो से मल्टीप्लाई में सारा चलना है, रिजल्ट भी सारा बढ़िया हो गया। यहाँ लैम्डा वन बाई फोर था, वहां लैम्डा वन बाई टू था, वहां क्या था वी अपॉन टू एल था, यहाँ पर वी अपॉन फोर एल, यानी सब में दो दो को मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही आपका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी होगा सेम रिजल्ट, ऐसे ही आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी, लेकिन डिफरेंस कुछ खास डिफरेंसेस हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला डिफरेंसेस ये है कि जो हमारा फर्स्ट मोड है वो तो हमारा पाया जाता है, जरा देखिए ये हमें बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको मेमोराइज होगा, फर्स्ट मोड आता है। आगे चलते हैं, अगर हम दूसरे मोड की बात करें बेटा, ये रहा हमारा सेकंड, सेकंड सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप जरा गौर करिए, सेकंड में थर्ड आता है, सेकंड में कौन सा आता है थर्ड आता है, एक मिसिंग होता है, और अगर आप थर्ड की बात करते हैं उसमें क्या आता है फिफ्थ का आता है, यानी कि अगर आप क्लोज आर्गन पाइप की बात करते हैं उसमें एक एक मिसिंग आता है, पहले में पहला आएगा, दूसरे में दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, फिर
चौथा, तो अगर आप तीसरा निकालेंगे तो तीसरे में तीसरा रहेगा, अगला आएगा ये यूनिट सेट का आता है, तो यहाँ पर आएगा फिर उसी हिसाब से बेटे फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा ओपन आर्गन पाइप का केस है, ये जरा ये देखिए ओपन आर्गन पाइप का केस, ओपन आर्गन पाइप के लिए आर्गन पाइप है, और जरा आप जो फूटते हैं तो कराते हैं ये क्वार्टर पे, ये आपकी आपकी क्वार्टर पे क्वार्टर, और क्वार्टर कितना हो जाता है हाफ, हाफ इंसिडेंट हो गया हाफ रिफ्लेक्टेड हो गया, और हाफ का केस ही हमारा स्क्रीन का था, जो हमारा अभी सबसे पहले हमने केस आपको पढ़ाया वो स्क्रीन का केस था, वो हाफ पर रन करता था, तो जो स्ट्रिंग का मैटर है वही आपके इसका मैटर, इसमें कोई वो आपका सेम हो जाएगा, जल्दी आप जगह करना सारा मामला सेम आएगा। याद करो फार्मूला ये निकाला था, यहाँ पर जो भी फार्मूला, आगे चलते हैं जरा देखिए रिजल्ट आपका वहां पर भी यही आया था, यहाँ पर भी यही रिजल्ट है, वही फंडामेंटल मोड वही फर्स्ट हार्मोनिक, यानी कि ये वाला केस बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। अगले दिन जब हम मिलेंगे, अगले दिन जब हम मिलेंगे, फिलहाल 2 तारीख तक मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ तो क्लास नहीं होगी, उसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम आगे की चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन एक विशेष बात है जो अभी तक हमने पढ़ा है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट नंबर 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इसे पढ़ लिया कि आप समझ लो कॉम्पिटिशन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको न मिले, इसलिए मैंने ये स्पेशली टेबल बनाई थी अपने बच्चों के लिए, और नोट नंबर 2 नोट नंबर 3 ये आप पढ़ लीजिएगा आपका बल्ले बल्ले हो गया। और अगला टॉपिक हमारा होगा बीट्स, तो बीट्स हम लोग स्वयं पढ़ेंगे, एक नए सीरीज से पढ़ना बीट्स तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको बाद में थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। कंपैरेटिव स्टडी स्टैटिस्टिक्स नंबर 1 ओपन जो आप हमारा तीसरा वाला था, क्लोज्ड जो हमारा दूसरा वाला है, तीनों का कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैंने आपके सामने 6 पॉइंट दिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवर टोन या सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवर टोन को सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आप सेकंड ओवर टोन या थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी रेशियो आप ओवर टोन, फ्रीक्वेंसी रेशियो आप हार्मोनिक, नेचर आप ए, इसके टर्म में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं बेटे फर्स्ट हार्मोनिक, स्टैटिस्टिक में कितना आया था, न्यू वन इक्वल टू बी अपॉन बी आया था, मैंने कहा था ओपन आर्गन पाइप का केस और ये केस दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में आपने देखा था 2 ऐसे पॉइंट बने थे, और ओपन आर्गन पाइप में जो हमने 2 आर्गन पाइप को लिए थे आपको याद होगा, तो इस प्रकार की वेव आई थी, इस प्रकार की वेव आई थी, ये दोनों एक जैसी है, यहाँ पर ये दोनों बराबर फ्रीक्वेंसी बी अपॉन 12 इधर की फ्रीक्वेंसी बी अपॉन 12 मैंने इसके केस में कहा था आधा होता है, तो वी वन न्यू वन इक्वल टू बी अपॉन 4L, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवर टोन इसकी होती थी 2 न्यू वन, इसकी भी वही होती है बोथा सेम, बट इसकी नहीं होती थी एक मिस था, याद करो मैंने कहा था एक मिस करके आएगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवर टोन, तो जिसे हम थर्ड हार्मोनिक कहते थे, तो थर्ड हार्मोनिक इसमें पाया जाता है, इसमें भी थर्ड हार्मोनिक पाया जाता है, इसमें जो वास्तव में थर्ड हार्मोनिक था वो फर्स्ट ओवर टोन होता है, लेकिन तीसरा तो है मिल रहा है, लेकिन फैक्ट इस जो फर्स्ट ओवर टोन, ये हमारा फर्स्ट ओवर टोन होता है, यहाँ पर फर्स्ट ओवर टोन 2 न्यू वन था, यहाँ पर भी 3 न्यू वन था, बट यहाँ पर है 3 न्यू वन। अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो ओवर टोन की बात करते हैं दोनों की सेम आएगी बेटे, 2:3:4 इसकी भी आएगी, 2:3:4 बट इसकी अलग आएगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक मिस करके आएगी, एक मिस रहेगी, एक मिस रहेगी, 3:5:7। अगर हम फ्रीक्वेंसी रेशियो हार्मोनिक की बात करते हैं, हार्मोनिक कंडिटी में सबके बढ़ते को बढ़ते को, बट यहाँ पर मिस रहेगा, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 5-6 नहीं, यहाँ पर मिस रहेगा। नेचर ऑफ वेव, अगर हम नेचर ऑफ वेव की बात करते हैं, तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव पाई जाएंगी, क्लोज्ड आर्गन पाइप या ओपन आर्गन पाइप की हम बात करते हैं, ये जो हमारे दोनों आर्गन पाइप है, जैसे कि मैंने कहा आर्गन पाइप का मतलब होता है बांसुरी, और बांसुरी में हम एयर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करने का मतलब है साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और साउंड वेव की जो वेव होती है
वो हमेशा कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी होती है। तो आई होप समझ में गए होंगे स्टेटिस्टिक में ट्रांसवर्स रेट। बाकी जो आर्गन पाइप्स हैं, बांसुरी है, बांसुरी में हवा, हवा माने साउंड, साउंड प्रोड्यूस होगी लॉन्गिट्यूडनल पाइप। नोट थ्री, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू नोट इज कॉल्ड इंटरवल। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोट इज कॉल्ड इंटरवल बिटवीन देम, कोहेसिव इंटरवल। और याद रखना, याद कर लीजिए, यूनिशन तार जाएगा जब दोनों नोट के बीच में फ्रीक्वेंसी सेम है, 1:1 है तो यूनिशन। यूनिशन का मतलब होता है यूनि माने यूनिफॉर्म, एक समान। ऑक्टेव, 1:2 का डिफरेंस अगर है ऑक्टेव है। मेजर टोन, अगर 1:9 पर है तो मेजर टोन है, और 9:10 पर अगर फ्रीक्वेंसी डबल करती है दैट इज योर माइनर टोन। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑफ द डे। बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन, आज टाइम ज़्यादा हो गया।